संख्याओं का सन्निकटन, यहाँ पर हम 259 से लेकर 271 तक की संख्याएं देख रहे हैं। 260 व 270 भी इन संख्याओं में शामिल है। हम कुछ संख्याओं को लेते हैं, जैसे 263 हमने लिया। हमें यह देखना है कि 263 260 के अधिक निकट है या 270 के अधिक निकट है। स्पष्टतः 263 260 के अधिक निकट है बजाय 270 के। अतः हम 263 को जब सन्निकट करते हैं तो 260 लिखते हैं, अर्थात 263 का सन्निकट रूप 260 होगा, न कि 270। हम अब एक दूसरी संख्या लेते हैं, मान लो वह 267 है। यहाँ भी हम यह देखते हैं कि यह 260 के अधिक निकट है या 270 के। स्पष्टतः 260 से 267 की दूरी 270 से इसकी दूरी के बजाय अधिक है, अर्थात 267 270 के अधिक निकट है। अतः 267 को सन्निकट करते समय हम इसे 270 लिख सकते हैं। यदि हम 265 की बात करें, 265 260 और 270 दोनों से समान दूरी पर है। तो इसका सन्निकटन हम किस तरह करें, क्योंकि यह तो दोनों से ही समान दूरी पर है। तो इसके लिए एक परिपाटी चली आ रही है कि 265 को हम 270 के सन्निकट मानेंगे, यानी आगामी संख्या के सन्निकट मानते हैं। इस तरह हम संख्याओं को दहाई के अंक तक सन्निकट कर सकते हैं। यदि हमें सन्निकटन सैकड़े के अंक तक करना हो, जैसे 410 को सन्निकट करना है, तो हम उसे 400 लिखेंगे। और यदि 476 को सन्निकट करना हो तो हम उसे 400 ना लिखकर 500 लिखेंगे, क्योंकि 476 500 के अधिक नज़दीक है बजाय 400 के। इसी तरह निकटतम 1000 तक भी सन्निकटन किया जाता है, जैसे 2573 कोई संख्या को हमें 1000 तक सन्निकट करना हो तो हम उसे 3000 लिखेंगे, क्योंकि 2573 3000 के अधिक नज़दीक है बजाय 2000 के। इस तरह हम दहाई के अंक तक, सैकड़े के अंक तक और 1000 के अंक तक सन्निकटन कर सकते हैं। दरअसल सन्निकटन का प्रयोग एक अंदाजन संख्या बताने में किया जाता है। जैसे कहा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी मैच में स्टेडियम में 51,000 दर्शक मौजूद थे। दरअसल 51,000 एकदम शुद्ध आंकड़ा नहीं है, परंतु 51,222 बताना भी कोई ज़रूरी नहीं होता, इसलिए सन्निकटन का प्रयोग किया जाता है।